छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर ला देखे बर देखत रहो आरजे न्यूज और हमर चैनल ला सब्सक्राइब करो बेल आइकन दबाए बर झन भुलाहु। जय जोहार संगवारी हो, मैं काजल सोनबेर और आप मन देखत हो आरजे न्यूज और अब मैं रहोगे है फटाफट खबर छत्तीसगढ़ी अंदाज में। तो चलो शुरू करथन फटाफट खबर। दुनिया भर में 5 लाख हुई मृतक के संख्या, 1 करोड़ ले भी ज्यादा हुई संक्रमित। देश में कोरोना संक्रमित और स्वस्थ हो लोगों के बीच के अंतर 1,11,602 पहुंची, रिकवरी रेट 58%। तेलंगाना के गृह मंत्री मोहम्मद महमूद अली कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में भर्ती। वैज्ञानिक हा कोरोना ला फैलाने में मदद करे वाले जीन के पता लगे, इस वैक्सीन बनाए में मिली मदद। सरकार हा पीपीई किट के निर्यात दोबारा शुरू करे के दिस मंजूरी, मेक इन इंडिया ला बढ़ावा। चीन में तानातानी के बीच रूस और भारत में बनी सहमति। कोरोना वायरस के चलत केजरीवाल और केंद्र सरकार के आपसी मतभेद के वजह से दिल्ली में बिगड़ी हालात। दिल्ली में बीते 24 घंटा में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,390 नवा मामला, वही कोरोना संक्रमण के कुल मामला 73,780। छत्तीसगढ़ अनलॉक 1 के 29वां दिन रायपुर और राजनांदगांव नवा हॉटस्पॉट। छत्तीसगढ़ प्रदेश के राजधानी रायपुर में कुल 267 कोरोना संक्रमित, 257 मरीज 28 दिन में सामने आई। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में रोजाना 8 नवा मरीज मिला थे, 31 मई तक 36 और अब तक 232 हुई। छत्तीसगढ़ प्रदेश में अब तक 2,694 संक्रमित मरीज, एक्टिव के 629। छत्तीसगढ़ के कोरबा के क्वारंटाइन सेंटर में भूत के अफवाह, ग्रामीण बोली रात में घूमा थे प्रेतात्मा। बीएसएफ पर कोरोना अटैक, 23 दिन में 42 जवान संक्रमित, पिछले 24 घंटा में ही 7 रिपोर्ट आई पॉजिटिव। डिजिटल पढ़ाई के असर, छत्तीसगढ़ प्रदेश के राजधानी में ऑनलाइन क्लास पर 3 हफ्ता में 20,000 से ज्यादा मोबाइल बिकी।